एलोवेरा का नाम तो आप सबने सुना होगा। कई लोगों से आपने ये भी सुना होगा कि एलोवेरा कितना फ़ायदेमंद होता है। चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल पुराने समय से ही होता आया है। लेकिन आपको बता दें, ज़्यादातर लोग नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। यही साबुन वो अपने चेहरे पर भी लगा लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसकी आदत हर रोज़ उनकी त्वचा ख़राब करती ही है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे नेचुरल साबुन अपने घर पर बना सकते हैं, त्वचा को पोषण प्रदान कर उसे स्वस्थ बनाता है। इसे प्रकृति से प्राप्त एक वरदान भी माना जाता है। इसके उपयोग से चेहरा सुंदर बनता है और त्वचा में ग्लो आ जाता है। यह स्किन टिश्यूज़ को पुनर्जीवित कर उसे स्वस्थ व हाइड्रेट रखने में सहायता करता है। इसके अलावा ये चेहरे से डेड सेल्स को हटाने में भी उपयोगी है। इसका इस्तेमाल सुंदरता बढ़ाने में कई प्रकार से किया जाता है। तो आप घर पर नेचुरल साबुन कैसे बना सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको एलोवेरा पल्प चाहिए 110 ग्राम, कास्टिक सोडा 110 ग्राम, जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल 750 मिलीलीटर, पानी 250 मिलीलीटर। आवश्यक तेल इसमें आप लेवेंडर और गुलाब भी ले सकते हैं। एलोवेरा सोप बनाने की जो विधि है वो ऐसी है। एलोवेरा सोप बनाने के लिए आपको कास्टिक सोडा, ऑलिव ऑयल, पानी, एलोवेरा पल्प और साबुन को खास खुशबू देने के लिए आवश्यक तेल की ज़रूरत होती है। एलोवेरा सोप बनाने के लिए किसी खुले व हवादार स्थान का चुनाव करें। इसके अलावा साबुन बनाते वक्त दस्ताने ज़रूर पहनें। दस्ताने न पहनने से आपके हाथों की त्वचा ड्राई होकर फट भी सकती है। इस साबुन को बनाने की प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। पानी को उबाल लें। गर्म पानी को एक प्लास्टिक के कंटेनर में डाल दें। इस प्लास्टिक के कंटेनर में कास्टिक सोडा मिलाएं। इस मिश्रण को अब अच्छे से मिक्स कर लें और करीब एक घंटे तक ठंडा होने के लिए इसे छोड़ दें। जब तक ये मिश्रण ठंडा होता है, आप एक चाकू की सहायता से एलोवेरा को काट कर उसके अंदर के एलोवेरा पल्प को निकाल लें। एलोवेरा पल्प को अच्छी तरह से मैश कर लें। अब माइक्रोवेव में ऑलिव ऑयल को गर्म कर लें। जब मिश्रण ठंडा होने लगे तब इसमें धीरे धीरे ऑलिव ऑयल डालें। जब तक मिश्रण ठंडा न हो इसे एक ही दिशा में हिलाते रहें। इस मिश्रण को अब एलोवेरा में मिलाकर इसे अच्छी तरह हिलाएं। जब मिश्रण सेट हो जाए तब इसमें अपनी इच्छा के अनुसार आवश्यक तेल जैसे कि गुलाब, लेवेंडर आदि मिला दें। आखिर में जब ये मिश्रण ऐसा हो जाए, जब इसके गहरे बड़े सांचे में डाल दें। अगले दिन ये मिश्रण ठोस हो जाएगा। इसे चाकू से टुकड़ों में काट लें। एलोवेरा सोप अब तैयार है, लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले 15 या 30 दिन का आपको इसे समय देना होगा। तो आप भी अपने घर में आसान से तरीके से एलोवेरा सोप बना सकते हैं और केमिकल युक्त साबुन के उपयोग से बचकर अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।